हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी, जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं। मैक्सिमम 10 से 15 20 मिनट्स में हम आपको बुक की समरी लेके आते हैं और बहुत आसान भाषा में हम समझाते हैं, आपकी भाषा में हम समझाते हैं कि उस बुक का सारांश क्या है और उसकी समरी क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कि बुक कहना क्या चाहता है और बुक के दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में कैसे उतार सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और आप इससे फ़ायदा क्या ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारा ह्यूमन नेचर्स हैं और अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप बिलीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा। आपको बुक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपने दिमाग को देना पड़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन रोज इकट्ठा करें और अपने आप को अपडेट रखें और जो भी मैक्सिमम हो सके वो बुक की समरी सुने। अगर हम पढ़ नहीं सकते पूरा बुक, हमारे पास टाइम नहीं है, तो बुक की समरी सुन के उनके दिए गए बुक में स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के और हम लोग सक्सेस बन सकते हैं। आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर और इस बुक के लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीने। एक्चुअली ये बुक ऐसा है जो ह्यूमन का नेचर के बारे में बताता है। ये बताता है कि ह्यूमन नेचर्स क्या होता है और कैसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, कैसे आप किसी इंसान के नेचर्स को समझ सकते हैं, कैसे आप उसके साथ इंगेज हो सकते हैं, कैसे आप उसके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर छुपे हुए वो बातें जो इंसान के दिखती नहीं हैं वो आप समझ सकते हैं। और एक दूसरे के समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी के साथ हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कोई किसी के साथ आप रिलेशन में हैं, किसी के साथ आप क्लाइंट के साथ हैं, अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, अगर उनके नेचर्स को आप समझते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छा से इम्प्रेस कर पाएंगे और आप बहुत ही इम्प्रेशन उनके ऊपर छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये बुक में स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्या चीज़ें हैं कि जो हम लोग मिस्टेक करते हैं एक दूसरे को समझने में, ह्यूमन नेचर होता क्या है और इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा करेंगे जिससे हम लोग दूसरे के ह्यूमन का नेचर समझ पाएँ और उसको अच्छे से उस इंसान को समझ के उससे फ़ायदा ले सकें और उसको अच्छा से फील करा सकें। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुँचना चाहिए जो लोग ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हैं और इनफैक्ट हर किसी के पास पहुँचना चाहिए जो हर कोई ह्यूमन नेचर समझ जाए। अगर हम एक दूसरे का समझ जाते हैं, ह्यूमन नेचर समझ जाते हैं, तो इंसान के बीच कभी झगड़ा ही नहीं होगा, कभी कोई मतभेद नहीं हो सकता अगर हम एक दूसरे को समझते हैं। तो ये दोस्तों, ये जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत चीज़ें आपको आज सीखने को मिलेगी। आइए बुक पे आते हैं। आप दोस्तों, ये बुक टोटल 18 लॉ बताती है जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन को समझ सकता है। दोस्तों, ऐसा बिहेवियर है हम लोगों का, इंसान का ऐसा बिहेवियर है, ह्यूमंस का जो नेचर है वो समझना बहुत मुश्किल है। और जब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर एक दूसरे से इतने झगड़े लोग करते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते और एक ही कपल एक ही काफ़ी सालों से एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे को वो समझ नहीं पाते, उसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि वो ह्यूमन नेचर्स को हम समझ नहीं पाते, इसीलिए झगड़ा लड़ाई और एक दूसरे से जालिस और सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, इस बुक में जो लेखक हैं वो बताते हैं 18 ऐसे लॉ बताते हैं जो अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप ह्यूमन नेचर को समझ पाएंगे, आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे जो आप जनरली देखते नहीं हैं। हर किसी के पास यहाँ पे एक मुखौटा लगा के लोग बैठे हैं, उनके अंदर क्या है और वो बातें आपसे क्या कर रहे हैं वो कम्प्लीटली अलग होता है। अगर आप समझते हैं, अगर आप ह्यूमन नेचर समझना आपको आता है, अगर आप ये समझ पाते हैं कि इंसान के दिल में क्या है और वो बोल क्या रहा है, तो आप उसके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं और आपको किसी के साथ आप अपने आप को मैच कर सकते हैं, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, आपका पार्टनर हो या आपके कोई रिलेशंस हो, अगर उसको आप कंप्लीटली मैच कर पाएंगे तो आप उनके साथ ज़्यादा आपके अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं और ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करा सकते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों और ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टोटल 18 लॉ बताने वाला हूँ कि ये 18 लॉ कौन सा होता है और इसको आपको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है और क्या ऐसे करें जिससे आपको दूसरे को ह्यूमन नेचर को समझने की कला आ जाए आपको और फिर आपकी लड़ाई नहीं हो किसी से, झगड़ा नहीं हो किसी से और किसी को आप इजीली समझ पाएं। लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ इरेशनलिटी। इस लॉ में लेखक बताते हैं कि आपको अपने इमोशंस को समझना चाहिए
और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इमोशंस क्या है और आपके इमोशंस पे आपका कितना कंट्रोल है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हम मिस्टेक करते हैं कि हम अपने आप के कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते, जिससे हमें आगे चल के बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने किसी का नेचर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा और आपके इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया तो समझिए कि आपको अपने आप पे कंट्रोल करना आ गया। अगर आप अपने इमोशंस के मास्टर हो जाते हैं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आपको पता है अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, तो आप अपने लाइफ में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। आपको वो डिसीज़न लेने में आसानी होगी, आपको गलत डिसीज़न लेने से आप बच पाएंगे और वैसा कोई भी आप काम नहीं करेंगे जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो। और मैक्सिमम जो हम डिसीज़न लेते हैं और गलत होने का कारण होता है कि हम इमोशंस में डिसीज़न ले लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है और हम सही जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हम अपने इमोशंस में आ जाते हैं और हम लोग वो डिसीज़न ले लेते हैं जो आगे चल के हमें बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस का मास्टर होना पड़ेगा, जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें और सही दिशा में अपने आप को लगा सकें। लॉ नंबर 2, द लॉ ऑफ नैरेसिज्म। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी किसी को समझना नहीं चाहते, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनको लोग समझें। किसी के साथ वो मैच नहीं हो पाते और हमेशा वो चाहते हैं कि हमें दुनिया नहीं समझ पाती, हमें लोगों को समझना चाहिए और हमारे साथ मैच करना चाहिए। लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो नैरेसिज्म होता है इन लोगों में, और वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाते। हमेशा वो उनके अंदर ईगो भरा रहता है और हमेशा वो चाहते हैं कि हम ही सही हैं और दुनिया, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप उनमें से एक हैं तो अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा और हमेशा दूसरों के समझना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने आप को अलग साइड में रखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अगला क्या बोलना चाहता है और कौन सा वैसा उसका बिहेवियर है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारी अनबन हो रही है, हमारी खटपट हो रही है और हमें हमारे एक दूसरे की मैचिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप किसी के साथ वैसा बिहेव नहीं करेंगे कि आप नैरेसिज्म है और वैसा कुछ नहीं करेंगे, तो आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर पाएंगे, आप उनको समझ पाएंगे और जब आप उनको समझेंगे तो आप उनके साथ मैच कर पाएंगे। आप एम्पैथी दिखाएंगे उनके साथ, जिससे आपकी जो ट्यूनिंग है सेट हो जाएगी और फिर एक दूसरे के ह्यूमन नेचर समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होएगा। लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। दोस्तों, इस दुनिया में मैक्सिमम लोग जो होते हैं, जिनके साथ आप रोज़ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, आप शायद नोटिस किए होंगे या नहीं किए होंगे, उन लोगों ने मास्क पहन के रखा है। आपको एक्चुअल नहीं पता है कि वो इंसान जो आपसे बात कर रहा है, जो आपको बोल रहा है और जो उसके सामने से जो आपको वो बताना चाहता है, वो अंदर से क्या है। आपको सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि वो इंसान अंदर से कैसा है और वो जो बोल रहा है वो उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको उस अगले इंसान की बॉडी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होंगे, लेकिन बाहर से वो लोग हार्ड दिखाने की कोशिश करेंगे। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत टफ हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो स्पेशली जो मेल्स होते हैं, उसमें ये समस्या होती है कि अंदर की बात वो कभी भी बाहर लेके नहीं आना चाहते। हमेशा वो मास्क पहन के रखते हैं और वो सिर्फ खुश रहने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा हैप्पी हैं, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे वो किसी की कंपनी का एंजॉय कर रहे हैं, बट असल में वैसा वो नहीं हो रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले उस इंसान के मास्क के अंदर के इंसान को पहचानना पड़ेगा। आपको उसके बॉडी लैंग्वेज को आपको नोटिस करना पड़ेगा कि वो इंसान जब आपसे बात कर रहा है तो उसके नज़रें किधर है, वो आपके आई टू आई कनेक्ट करके बात कर रहा है कि नहीं, उसके हाथ की मूवमेंट क्या है, उसके पाँव की मूवमेंट क्या है और उसकी आवाज़ कैसी है। ये सारी चीज़ें जब आप नोटिस करेंगे तो आप एग्जैक्टली जान जाएंगे कि उस अंदर के इंसान का रियल फेस क्या है। तो रियल फेस जानना सबसे ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगले को समझ पाएं। लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। अगर आप किसी इंसान को सच में आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस इंसान का करैक्टर क्या है।
आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो इंसान बिहेव कैसे करता है, उसका करेक्टर क्या है, उसकी पास्ट क्या है। जब इस पर आप जानते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है, अगर आपको ये पता है कि वो इंसान का करेक्टर कैसा है, तो आप ईजिली उस इंसान को समझ पाएंगे और ये आपको उस पर्टिकुलरली इंसान के समझ के और उसके साथ मैचिंग करने के लिए आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। लॉ नंबर 5, लॉ ऑफ कोविटसनेस। हम इंसान की ये फितरत है कि हमारे दिमाग को हमेशा नया चाहिए। अगर हमारे दिमाग को नया चीज़ नहीं मिलता है, तो जो भी हम रेगुलर चीज़ें करते हैं और डेली बेसिस में जो चीज़ें हम लोग करते हैं, बहुत जल्दी हम लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं कि वो आपके हमेशा साथ रहे और आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करे, तो आप हमेशा मिस्टीरियस बने रहिए। कभी भी किसी इंसान के सामने आप खुली किताब जैसा ना हो, क्योंकि अगर आप खुली किताब जैसे उस इंसान के सामने खुल जाएंगे और वो इंसान अगर आपको अच्छा से जान गया, तो वो इंसान आपसे बोर होने लगेगा और फिर वो नई चीज़ें आप में ढूंढने लगेगा। तो इसलिए जब आप मिस्टीरियस बने रहते हैं, अगर सारी चीज़ें उन इंसान को नहीं पता रहता है, तो वो आप में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है आपके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। लॉ नंबर 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटनेस। दोस्तों, हमेशा ऐसे लोगों से आप मिले होंगे कि जो बहुत ही कम टाइम में अपने आँखों से देख के या कान से सुन के इमिडिएटली उस चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं और इमिडिएटली रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है अगर हम ऐसा करते हैं तो, क्योंकि हमें पता नहीं कि जो हम अपने आँखों से देख रहे हैं और जो अपने कानों से अभी सुन रहे हैं, वो एग्जैक्टली सही है या नहीं है। तो इमिडिएटली आप कभी भी रिएक्ट ना करें। कुछ भी अगर आप चीज़ें सुने या देखें, तो उसके लिए थोड़ा टाइम दें, अपने दिमाग को उसको एक्सरसाइज कराएं कि जो हम लोग देखे हैं, जो आपका आंखें देख के आई हैं, जो आप सुने हैं, वो कितना सही है और कितना गलत है। अगर आप थोड़े टाइम के बाद आप रिएक्ट करते हैं, तो आपका डिसीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है। लेकिन अगर आप इमिडिएटली अगर आप रिएक्ट करते हैं कुछ भी देख के या सुन के या उस पर बिलीव करके, तो मैक्सिमम टाइम आपका डिसीज़न गलत जाता है और इससे आपका नुकसान हो सकता है। लॉ नंबर 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। अगर आप किसी इंसान को कन्विंस करना चाहते हैं, अगर आप किसी इंसान को ब्लेम करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि हर इंसान अपने आप को डिफेंड करता है, चाहे वो गलत कितना भी हो। अगर आप उसको डायरेक्ट उसको गलती बताएंगे, तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। ये चीज़ें आपको मानना पड़ेगा कि ये ह्यूमन नेचर है और ये ह्यूमन नेचर आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली किसी को आप बोलें, भले वो कितना बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो, अगर आप उसको डायरेक्ट बोलें कि आप अपराधी हो, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपने आप को डिफेंस करेगा। और वो डिफेंस वहाँ तक जहाँ तक हो सकता है वो करेगा। तो अगर आप रियली किसी को बताना चाहते हैं कि वो इंसान गलत है, अगर उसको आप सजेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस इंसान को आपको एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, उनसे इंसान को समझना पड़ेगा, उस इंसान के अंदर का चेहरा समझना पड़ेगा जो उसके मास्क के पीछे है, और वो रियल इंसान को समझना पड़ेगा। और जब आपकी ट्यूनिंग बन जाए, आप समझ जाएं उस इंसान को, तब आप उसके साथ वो शेयर करें और बहुत ही प्यार से शेयर करें जो वो गलत काम कर रहा है, तो वो उससे हो सक कि वो इंसान अपना गलती एक्सेप्ट कर ले और वो समझ जाए और वो सुधर जाए। लॉ नंबर 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सबोटेज। दोस्तों, आपका सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आप सही एटीट्यूड में हैं, तो आपका सिचुएशन भी सही है। अगर आपका एटीट्यूड गलत है, तो आपका सिचुएशन ख़राब हो सकता है। आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आपका एटीट्यूड है एक दूसरे के प्रति, आप दूसरे इंसान से आपका बिहेवियर कैसा है, उस पर आपका सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर आप किसी के साथ लड़ाई करते हैं, आप झगड़ा करते हैं, अगर उस इंसान के साथ आपका एटीट्यूड सही नहीं है, तो वो आपका सिचुएशन वर्स कर सकता है। आपका माइंडसेट कैसा है, कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, आप निगेटिव हैं या आप पॉजिटिव हैं, आपका दिमाग कैसा सोच रहा है, इसी हिसाब का आपके सिचुएशन बदल जाता है। दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर जो है, वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है जैसे हम लोग सोचते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप सक्सेस हों, आप बिलियनियर्स बने, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें रखना है, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको इमिडिएटली बाहर निकाल के फेंकना है, तो आप उस डायरेक्शन में जा पाएंगे जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, जो आपको मिलेनियर्स बनने की तरफ लेके जाएगी। आपका माइंडसेट आपका सिचुएशन बनाता है, तो हमेशा आप अपने अच्छे माइंडसेट में रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, जिससे आप उस तरफ जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। लॉ नंबर 9, द लॉ ऑफ रिपीटेशन। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा और जो भी आपका डार्क साइड है, उसको आपको लाइट दिखाना पड़ेगा। आप अगर अपने आप को पहचानते हैं, आप
अपने आप में देखते हैं कि मेरे में क्या कमी है, आप अपने उस डार्क कॉर्नर को ढूंढते हैं जो आपके अंदर छुपा हुआ है और आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां वहां पे इकट्ठी हुई हैं, अगर उसको आप लाइट करते हैं, वहां पे आप लाइट जलाते हैं, आप अपने आप को समझ पाते हैं और जो भी आप गलती कर रहे हैं उसको आप जब सुधार देते हैं तो दूसरे के साथ आपका कम्युनिकेशन बनाना ईजी हो जाता है और उसके साथ आप कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को आप ईजिली समझ सकते हैं और दूसरे को ह्यूमन नेचर को भी आपके लिए ईजी होता है समझना। लॉ नंबर 10, द लॉ ऑफ एनवे। दोस्तों ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। सिर्फ हम और आप नहीं, मैक्सिमम जो लोग हैं ये ह्यूमंस हैं उनकी आदत होती है कि एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि मेरे पास ये है, उनके पास वो है, मेरे पास आज मर्सिडीज़ है तो उनके पास BMW है, उनके पास टेस्ला है, ये है वो है। हर किसी के साथ हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं और जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं हमें अपने आप से ये बात जरूर पूछना है और अपने आप को इनफैक्ट ध्यान रखना है कि हम अच्छे माइंडसेट से कंपेयर करें। अगर हम अच्छे माइंडसेट से आप कंपेयर करते हैं किसी के साथ तो आपके साथ एक कंपटीशन जैसा आता है। आप उसको चाहते हैं कि अगर उसके पास टेस्ला है तो मेरे पास भी टेस्ला होना चाहिए। अगर और उस डायरेक्शन में आप काम करते हैं, अच्छे माइंडसेट से आप काम करते हैं तो आपके लिए वो फ़ायदा होता है। वहीं अगर आप उसको गलत तरीके से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपके अंदर वो हीन भावना आती है, आपके अंदर वो जेलस आती है और फिर वो आप अपने डायरेक्शन से भटक जाते हैं और आपके दिमाग में निगेटिविटी आने लगती है और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे चल के प्रॉब्लम आने लगता है। अगर हो सके तो आप किसी के साथ कंपेयर ना करें। अगर आप रियली किसी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं अपने आप को तो खुद से करें। आप अपने आप को कल से कंपेयर करें कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं। अगर आप कल से कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे और उस पे काम करेंगे कि जो कल मैंने जितना अच्छा था आज मैं उससे अच्छा बनूंगा और उससे अच्छा मैं हूँ। और उससे अच्छा बनने के लिए आप अपने आप में एक्सरसाइज करेंगे और फिर आप एक एक दिन और अच्छा बनते जाएंगे। लॉ नंबर 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। दोस्तों आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपके लिमिट्स क्या हैं, आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। आप अपने आप को खुद को पहचानना पड़ेगा। आपको अपने आप को एक लिमिट सेट करना पड़ेगा कि मैं अगर किसी के साथ बिहेवियर कर रहा हूँ तो किस हद तक मैं उसके साथ बिहेव कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। जब आप अपने आप को लिमिट सेट करते हैं आपको पता है कि मैं इतना ही ले सकता हूँ, इतना मैं प्रेशर ले सकता हूँ, इतना मैं किसी की सुन सकता हूँ, इतना मैं किसी की निगेटिविटी माइंड सेट में अब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तभी आप अपने आप को लिमिट सेट करें। अगर आप लिमिट सेट करते हैं तो फिर आप हैप्पी रहते हैं और फिर आप दूसरे को नेचर को समझ पाते हैं। लॉ नंबर 12, लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। दोस्तों हमने देखा होगा कि हमेशा जो मेल और फीमेल होती हैं उनमें दोनों का बिहेवियर में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ह्यूमन नेचर की बात करें तो हमेशा आप देखेंगे कि जो मेंस होते हैं वो हमेशा अपनी जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जो उनके अंदर वो फीलिंग्स रहती हैं, जो सॉफ्टनेस उनके अंदर होता है वो हमेशा छुपा के रखते हैं और हमेशा वो रिएक्ट करते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हैं। उनके जो हार्डनेस हैं वो रिएक्ट करते हैं और उनके ऊपर वो अपने आप के ऊपर एक मुखड़ा लगा के रखते हैं और वो सारी दुनिया को ये बताते हैं कि वो स्ट्रांग हैं, बट वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होते, उनके अंदर भी वो सॉफ्टनेस होती है। वहीं आप अगर फीमेल की तरफ देखें तो इसकी अपोजिट आप पाएंगे कि वो औरत अगर किसी के साथ हार्डनेस भी होती हैं तो हार्डनेस अपने अंदर छुपा के रखते हैं और हमेशा वो सॉफ्ट रहते हैं और सॉफ्टनेस दिखाते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो अंदर से हार्ड होती हैं लेकिन फिर भी वो बाहर से बहुत सॉफ्टनेस दिखाती हैं और हार्डनेस छुपा के रखती हैं। तो ये जो जेंडर में डिफरेंस होता है बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द मेल और फीमेल में ये नेचर होता है। तो ये ह्यूमन नेचर्स आपको समझना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ आप अच्छा से आपका रिलेशन रहे, आपके साथ बिहेवियर अच्छा हो, तो ये बात आपको जाननी चाहिए। लॉ नंबर 13, लॉ ऑफ एमलेसनेस। दोस्तों हमें पता नहीं होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को एक एम डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा ये एम है और उसी की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। जो भी हमारा रिएक्शन है, जो भी हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भी हम कर रहे हैं, अगर हमें ये पता है कि हमें ये करना है और ये हमारा एम है तो हमारा बिहेवियर उसी हिसाब से चेंज हो जाता है और उसी के डायरेक्शन में हम जाते रहते हैं। लॉ नंबर 14, लॉ ऑफ कंफर्मिटी। दोस्तों आपको ये पहचानना पड़ेगा वो
ग्रुप से दूर रहना पड़ेगा उन लोगों से जहाँ पे आपके साथ मैचिंग नहीं हो पाती। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं कि हमेशा आपको चिढ़ाते रहते हैं और आपके साथ उनके साथ आपकी मैचिंग नहीं हो पाती, वो आपके नेचर को नहीं समझ पाते और आप उनके नेचर को नहीं समझ पाते। अक्सर आपने ये देखा होगा, हो सकता है वो आपका बॉस हो सकता है आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके जो कॉलेज फ्रेंड है वो हैं, लेकिन उनके साथ आपकी मैचिंग नहीं हो पाती है। आप उस ग्रुप के साथ हमेशा मैच नहीं हो पाते, आप अलग थलग रहते हैं उस ग्रुप से और वो हमेशा आपके जो भी आपको गलत लगता है वो चीज़ें वो करते हैं और आपके मजाक उड़ाते हैं। ऐसे चीज़ों से आप दूर रहिए, उनको डाउनग्रेड कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनके साथ आप रहें जिनके साथ आपका नेचर मिलता है, आप दूसरे को ह्यूमंस के नेचर को समझ पाते हैं और वो आपको समझ पाते हैं, तो वहाँ पर आपको हैप्पीनेस ज़्यादा मिलेगी। लॉ नंबर 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस। दोस्तों, अगर आप ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको फॉलो करे, तो आपको वैसा काम करना पड़ेगा जिससे आपके लोग फॉलो करें। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उसके नेचर्स को अगर आप समझते हैं, उसको जो चाहिए वो आप देते हैं, अगर उसके जो इमोशंस हैं उनको आप समझ पाते हैं, तो वो लोग आपको फॉलो करेंगे। ऐसा आप उनके उनके जो सॉफ्ट पार्ट है उनको आप टच कीजिए, उनके अंदर के फेस को पहचानिए। जो लोग वो दिखाते हैं वो नहीं, जो अंदर से वो रियल हैं, अगर उनसे आप बात कर पाते हैं, उनके साथ अगर आप कंफर्टेबल हो पाते हैं, तो वो लोग आपको फॉलो करेंगे। लॉ नंबर 16, द लॉ ऑफ एग्रेशन। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा उन लोगों में कि कुछ लोगों के आप देखे होंगे कि कुछ भी आप बात करते हैं और वो इग्नोर करते रहते हैं, और जब भी कभी अचानक वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं और इतना ब्लास्ट होते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं कि वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कुछ लोग होते हैं कि बाहर से सॉफ्ट दिखते हैं पर अंदर से उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और वो फ्रस्ट्रेशन छुपा के रखते हैं, वो कभी भी बाहर लेके नहीं आते, बट अचानक उनका फ्रस्ट्रेशन फट जाता है और बहुत ज़्यादा वो ओवर रिएक्ट करते हैं। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या है और उसका फ्रस्ट्रेशन क्या है, और उनसे वो बात कीजिए, वो सॉफ्ट कॉर्नर उनका टच कीजिए, वो उन चीज़ों को पहचानिए जो उनको चाहिए, उनको वैसा कंफर्ट लेवल दीजिए जिससे वो जो उनके अंदर के फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल पाएँ, वो आपके साथ डिस्कस कर सकें, बात कर सकें, जिससे वो कंफर्टेबल हों और वो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉ नंबर 17, लॉ ऑफ जेनरेशन मायोफिया। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो हिस्ट्री है, जो हमारा बैकग्राउंड रहा है और जो हम कहाँ से आते हैं, इससे हमारा नेचर डिसाइड होता है। हर इंसान को आप देखेंगे कि हर इंसान डिफरेंट रिलीजन से आता है, डिफरेंट कंट्री से आता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट से आता है, उसी के हिसाब से उसका नेचर रहता है, उसका ह्यूमन नेचर रहता है। तो अगर आप किसी को सच में पहचानना चाहते हैं, उसके ह्यूमन नेचर को आप समझना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही आराम तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। आपको उन सॉफ्ट कॉर्नर को पहचानना पड़ेगा जो आप वो इंसान बोल रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं। 99% केसेस में वो सही नहीं होता है, जो आप बिहेव करता है वो इंसान वैसा वो होता नहीं है, अंदर से वो कुछ और होता है। लॉ नंबर 18, लॉ ऑफ डेथ डेनियल। दोस्तों, मरना हर किसी को है, जो भी इस ब्रह्मांड में आया है एक ने एक दिन उसको जाना है। अगर आप किसी के अच्छा ह्यूमन नेचर को समझ पाते हैं और अगर आप किसी के साथ आपको कोई समझ पाता है, अगर आप एक ऐसा छाप छोड़ के जाते हैं इस कम्युनिटी पे या किसी इंसान पे, तो वो आपके मरने के बाद भी याद करता है और आप एक ऐसा छाप छोड़ के जाते हैं। इसलिए हर इंसान को दूसरे इंसान को समझना चाहिए, जो ह्यूमन नेचर है उसको जानना चाहिए। अगर आप ये ऐसा कर पाते हैं तो आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बुक आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।